ये काफिला जा रहा है कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में। इस काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मंत्री और गंदवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार। दावा किया जा रहा है कि 2000 गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी। जब ये काफिला सड़क पर निकलने लगा तो काफी देर तक लोग हैरान रहे। इस दौरान उमंग सिंघार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब हजारों लोग थे, आपने खुद ने देखा, और गाड़ियां आपने खुद ने देखी, हजार गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां थी आज। और मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर ये एक मोटरसाइकिल का भी एक बड़ा था, 7-8 हज़ार मोटरसाइकिलें थी। और निश्चित तौर से ये कांग्रेस को एक नई जान फूकेगा ये यात्रा, जन आक्रोश निश्चित तौर से कांग्रेस को फायदा। कांग्रेस के नेता खुद हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा काफिला कैसे किसी विधायक के साथ चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि गंधवानी से उमंग सिंघार चुनाव जीतने जा रहे हैं। गंधवानी ने आज इतिहास रच दिया है। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में आज विधायक उमंग सिंघार के नेतृत्व में 6000 से अधिक बाइक एवं 2000 से अधिक चार पहिया वाहनों के साथ में कांग्रेसी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे है। इससे प्रतीत होता है कि गंधवानी विधानसभा में उमंग सिंघार जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व पर क्षेत्र की जनता का अटूट विश्वास है। आज गंधवानी का चप्पा चप्पा उमंगमय होकर कांग्रेसमय होगा। आपको बता दें कि धार में गंधवानी सीट का अस्तित्व 2008 में परिसमन के बाद आया। इस सीट पर 3 बार से लगातार उमंग सिंघार विधायक हैं। उमंग सिंघार राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में उमंग सिंघार ने बीजेपी के सरदार मेढ़ा को हराया था। फिलहाल बीजेपी ने एक बार फिर सरदार सिंह मेढ़ा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट, एमपी तक।